G20 शिखर सम्मेलन चीन के हांगजू शहर में हुआ शुरू। दो दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक मंदी, संरक्षणवाद, संरचनात्मक सुधार, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के साथ जलवायु परिवर्तन पर भी होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं की बैठक में शिरकत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने हांगजू में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मेलकम टर्नबुल से की द्विपक्षीय वार्ता। अगले महीने गोवा में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में आने का दिया निमंत्रण। पीएम मोदी ने चीन के हांगजू में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से की मुलाकात। मोदी और ओबामा की ये नजदीकियां कई मौकों पर देखी जा चुकी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत चीन संबंध दक्षिण एशिया के साथ साथ पूरे विश्व के लिए हैं महत्वपूर्ण। भारत ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को आना होगा एक साथ। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के प्रयासों के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और अन्य पक्षों ने की जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे में कश्मीर में अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जम्मू कश्मीर में आने का मकसद है शांति स्थापित करना। जम्मू कश्मीर के पीडीपी पार्टी के नेताओं ने आज श्रीनगर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा को आज वेटिंगटन सिटी में संत की उपाधि दी गई। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं के बीच मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिए जाने के बाद पूरे देश में इसे लेकर खुशी का माहौल है। दिल्ली के सैक्रेड चर्च के मुख्य पुजारी फादर लॉरेंस पीआर ने कहा है कि आज का दिन विशेषकर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस आप सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी। पीड़ित महिला द्वारा कल FIR दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान में एक बस और तेल टैंकर की भिड़ंत में 35 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। हादसा अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके के जुबेल शहर में हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल पर अब तक का सबसे बड़ा टैक्स जुर्माना लगा है। यूरोपीय आयोग ने फैसला दिया कि आयरलैंड एप्पल से 13 अरब यूरो यानी करीब 96,000 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली करे। भारतीय रेल द्वारा जारी यात्री बीमा योजना अब तक आम जनता के बीच काफी हिट रही है। बीमा योजना के तहत लगभग 4,00,000 लोग अब तक इसका फायदा उठा चुके हैं। कल शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति संपदा के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। बांग्लादेश कट्टरपंथी जमात इस्लामी के नेता और मीडिया हस्ती मीर कासिम अली को 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के कारण देर रात फांसी दे दी गई। NGT ने दिल्ली सरकार को पेयजल की स्थिति पर चिंता जारी करते हुए भेजा समन। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। US ओपन के छठवें दिन सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार बारबरा स्ट्राइकोवा ने मिलकर विक्टोरिया ग्लोविक को हराया।